एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 25 राउंड फायर। यह परीक्षण किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे देश में ही किया गया है। इस परीक्षण को DRDO यानी कि भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, इस मिसाइल का नाम है पिनाका मिसाइल। मैं आपको बताता चलूँ कि पिनाका मिसाइल तो भारत के पास पहले से ही है और इसको भारत के 7 रेजिमेंट में इंडक्ट भी किया गया है। तो फिर क्यों इस परीक्षण की इतनी चर्चा है और यहाँ तक कि इस खबर को चाइना के ग्लोबल टाइम्स में भी जगह दी गई है। दरअसल इसका कारण इसमें DRDO द्वारा इंडक्ट किया गया सिस्टम है, जिसको सुनकर दुश्मन के भी होश उड़ गए हैं। इस मिसाइल ने इस परीक्षण में 25 रॉकेट दागे और 25 के 25 रॉकेट एक मार किए गए उसी पॉइंट पर गिरने थे। आपको गर्व होगा कि ये सारे 100% एक्यूरेसी के साथ चिन्हित किए गए पिन पॉइंट पर ही जाकर गिरे। यह मिसाइल 44 सेकंड में 72 मिसाइल जो कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड दागने के लिए चर्चा में है। पहले भारत की इस मिसाइल का काम था कि एक साथ इतनी मिसाइल दुश्मन के ऊपर गिरा दी जाए कि वो संभल ना पाए। पहले यह मिसाइल 100% एक्यूरेट भी नहीं थी। यह 44 सेकंड में 72 मिसाइल दागने की संख्या के लिए प्रसिद्ध थी, मगर अब DRDO के हाथ ऐसी टेक्नोलॉजी लग गई है जिससे इसको 100% एक्यूरेट भी बना दिया गया है और यही टेक्नोलॉजी इस पिनाका में इंडक्ट की गई है। हो सकता है इस मिसाइल से पाकिस्तान को इतना डर ना लगे, लेकिन चीन के लिए यह मिसाइल एक बहुत बड़ा सरदर्द लेकर जरूर आएगी। यह स्ट्रेटेजिकली क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन को समझ लेते हैं। इसको पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर और पिनाका गाइडेड मिसाइल भी कहते हैं। इफेक्टिव फायरिंग रेंज की बात करें तो इसकी 7 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। मैक्सिमम फायरिंग रेंज इसकी 90 किलोमीटर है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 800 किलोमीटर है। इसका पर यूनिट कॉस्ट का खर्च आया है 26.47 करोड़ रुपए। रेट ऑफ फायर यह 12 रॉकेट से 72 रॉकेट अंडर 44 सेकंड में फायर कर सकती है। यह रॉकेट लॉन्चर ऑपरेशनल है और भारत ने इसका पाकिस्तान और चाइना में डिप्लॉयमेंट भी किया हुआ है। भारत ने इसका इनहेंस वर्जन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। DRDO ने खुद ट्विटर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। चलिए अब बात करते हैं क्यों ये मिसाइल स्ट्रेटेजिकली चीन के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है और क्यों चीन को इससे डर लगता है। आप भी सोच रहे होंगे कि इसकी रेंज तो मात्र 80 किलोमीटर ही है, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल हुई गलवान की घटना और इस तरह की झड़पों में इसका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और आगे भी कभी ऐसी झड़पें होती हैं और वो अगर खतरनाक मोड़ ले लेती है तो भारत 80 किलोमीटर के अंदर से ही चीन की चौकी पोस्ट को तबाह कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, यह 100% एक्यूरेट मिसाइल अब बन चुकी है और एक मिनट से भी कम समय में दुश्मन को निस्तोनाबूद कर सकती है, यानी कि चीन को अब इससे संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। यही कारण है कि चीन के बहुचर्चित अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी इस परीक्षण को जगह दी गई है और यह उनका डर बताने के लिए काफी है। DRDO के इस परीक्षण के लिए कमेंट में जय हिंद तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें। इससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।